हेलो गाइस। तो क्रेफेल्ड से जो है वो ऐसे जर्नी शुरू हो जाती है। क्रेफेल्ड का भी जो है मेन रेलवे स्टेशन है जहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, सामने साइनमैक्स जो है वो नज़र आ रहा है। ये यहाँ का जो है वो थिएटर है, यहाँ पे कोई मूवी देखनी हो तो देख सकते हो। तो अभी अगला स्टॉप जो आएगा वो आएगा क्रेफेल्ड ओपम का। अच्छा, तो टोटल 3 स्टॉप्स हैं क्रेफेल्ड के ना टोटली। मगर हाँ, यहाँ ये ट्रेन जो है RE10 है जिससे मैं जा रहा हूँ, तो ये हमें ड्यूसबुर्ग तक लेके जाएगी। तो ये क्रेफेल्ड ओपम पे ही रुकती है एक बार, और उसके बाद सीधा हमें ले जाएगी ड्यूसबुर्ग तक। तो वैसे टोटल 3 स्टॉप हैं क्रेफेल्ड के। एक है जो मेन रेलवे स्टेशन है, एक ये ओपम जिस पे भी हम लोग जाएंगे। ये हो गया, ठीक है। ये आ गए हम लोग क्रेफेल्ड ओपम पे, ठीक है। रुक गई है ट्रेन और चल भी पड़ी है, सही है। तो तीसरा उसका जो स्टॉप है उसका नाम है क्रेफेल्ड यूरडिंगन, ठीक है। वहाँ तो ये वाली ट्रेन तो जाएगी नहीं, मगर कुछ और ट्रेन हैं जो जाती हैं वहाँ पे। तो क्रेफेल्ड अच्छा खासा बड़ा सिटी है, इसलिए इसके 3 स्टॉप हैं। तो अब ये जो ट्रेन है वो सीधी लेके जाएगी हम लोगों को ड्यूसबुर्ग पे, ठीक है। तो ड्यूसबुर्ग पे ले जाएगी हमें, और फिर वहाँ से जो है वो एक चेंज है वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो ये ऐसे ट्रेन चलती चली जाएगी, और RE10 में हैं अभी हम लोग। तो हम लोग मतलब मैं हूँ और आप सब लोग भी मेरे साथ ही समझो, क्योंकि जो भी देख रहा है तो वो भी इस ट्रैवल को फील कर सकता है। तो ऐसे ये ट्रेन चलती चली जाएगी, और ये एक ब्रिज आएगा, रायनहाउसन से होती हुई गुजरती है। रायनहाउसन पे रुकेगी नहीं, ये कार्गो ट्रेन गुजरी है। तो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं हम लोग, और एक स्टेशन और गुजर गया रायनहाउसन का था, वहाँ हम लोग रुके नहीं, ठीक है, क्योंकि ट्रेन रुकती नहीं है वहाँ पे, तो सीधी ड्यूसबर्ग जाएगी। तो ये आ गया वो जो ड्यूसबुर्ग वाला जो ब्रिज है उससे हम लोग गुजर गए, ठीक है। और अभी हम लोग पहुंच जाएंगे ड्यूसबुर्ग। तो वहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, अगर आप लोग RE10 से जा रहे हो ना डुसलडॉर्फ, तो चेंज कर लेना प्लेटफॉर्म RE2, वहाँ से हम लोगों को लेनी पड़ेगी। हाँ जी, पहुँच गए हम लोग। अब यहाँ से मैंने RE2 ले लिए, ठीक है। तो ये हम लोगों को इसके 2 स्टॉप होंगे। एक ये एयरपोर्ट, डुसलडॉर्फ के एयरपोर्ट वाला स्टेशन आएगा सबसे पहले, तो वहाँ चलते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से एक और स्टॉप आएगा। तो ये तो मैंने सोचा मैं यूरोप ट्रैवल कर ही रहा हूँ, तो यहाँ की जो ट्रेन की जो जर्नीज़ है, क्योंकि यूरोप अपने ट्रेन के सिस्टम को लेके बहुत जाना जाता है, तो मैं आपको दिखाऊँ कैसी रहती हैं जर्नीज़ और हर तरह का ट्रैवल, ताकि बसेस की जर्नी, ट्रेन की, एरोप्लेन की, हर तरह की ना, कि आप लोगों को पता चल सके कि कैसा ट्रैवल रहता है और कितना टाइम लगता है। तो इसमें जो है वो टोटल आधा घंटा लगता है। यहाँ हम लोग पहुँचे यहाँ फ्लूगाफन पे, तो फ्लूगाफन का मतलब एयरपोर्ट, तो डुसलडॉर्फ फ्लूगाफन, यहाँ से हम लोग अब निकल गए। तो ये अब हमें ले जाएगी सीधा हमारे मेन जो है वो डुसलडॉर्फ, जो मेन रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। ये पहुंच गए जी हम लोग। हेलो गाइस, सो दिस वाज इट फॉर द जर्नी फ्रॉम द क्रेफेल्ड टू डुसलडॉर्फ बानोफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।